देर होगी भाई, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। इधर पे भीड़ तो लगती रहती है क्योंकि ये नॉर्मल है। देखो लैंड स्लाइड हुई थी यहाँ पर से, क्यों देख लो भाई, जिसका जिसकी बाइक है ना वो एकदम हंस रहा है भाई, मजा आ रही है मुझे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। अभी आज का प्लान है थोड़ी राइड करने का, तो दूर से आ रहे हैं दोस्त, रुड़की से आ रहे हैं और अपनी बाइक तो वहीं खड़ी है, तो हमें बस निकलना है आधे घंटे में, ऐसे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर बन गई मेरी चाय और मैंने खुद बनाई, वाह राइम, यहाँ बन गई अपनी चाय मैंने खुद बनाई, मज़ा आया। तो अभी बस अब हम कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं पूरा, उसके बाद हम करते हैं बाइक को गोल स्टार्ट। पहले मैं आपको फिर से मिलाना चाहूँगा एक शख्स से जो है मीकू। मुझे घूर के देखता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इसकी जन्मों जन्मों से मुझसे दुश्मनी है और फिर घूर रहा है। मीकी पूंछ ला दे, पूंछ ला दे बॉय, ये तो पूंछ भी नहीं लाता। बाइक को कोल्ड स्टार्ट, रेडी हो चुके हैं पूरे, देख सकते हैं यार लेदर लुदर की पूरी जैकेट पहनी तुम्हारे भाई ने। तो बस यही कह रहे थे अभी, वो निकल गए वहाँ से और ये भाई को रिकॉर्ड स्टार्ट, और हमारा भाई जा रहा है हमारे साथ। तो बाइक हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, अब इसमें फ्यूल अप भी कराना है यार, फ्यूल अप भी कराना है। मैं सोच रहा हूँ लेंस कहाँ से कराऊंगा, पर वहाँ तक शायद जा ही पाएगी, शायद ही जा पाएगी, दिखा तो 30 का रेंज दी है पर भरोसा नहीं है भाई। ये मतलब मैं इतने 18 की स्पीड में चला रहा हूँ फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है। पहुंच ही गए हैं यहाँ पर, अभी अपने दो दोस्त और होंगे यहाँ पर खड़े हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं आए, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा उनके लिए। तो यार बात ऐसी हो गई, अब इनके तो घर ही जाना पड़ा मुझे, पर अब ये मिल ही गए, अब हम निकल रहे हैं बाहर मेन रोड ले। और जो रुटकी से आ रखे तो बस पहुँच ही गए, उन्होंने बोले भाई 5 मिनट में पहुँचे, अच्छा से निकलते हैं जल्दी जल्दी, गलियों का रास्ता तो धीरे चलाना पड़ रहा है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं हाईवे में, और वो भाई पेट्रोल पंप में खड़े हो गए लेंस के, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो देर होगी भाई, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, अपने दो राइडर भाई भी पूरी फुल पावर में चल रहे हैं यहाँ। तो भाई रिलायंस पेट्रोल पंप बिल्कुल सामने है, तो वहाँ पर खड़े हो रखे हैं, हमें फ्यूल अप कराने हैं यहाँ पर, उसके बाद मिलते हैं भाई लोगों से। फिर तो फट रही थी भाई कि यहाँ पर तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, पर फाइनली पहुँच गए, पर हम भाई और भाई क्या हाल चल रहे भाई, क्या Why are you crying? क्या हाल है भाई? अरे यार इनके वजह से देर होगी ना, थोड़ा देर से आगे हाँ बोल रहे दो वहाँ पर है, साउंड सुनानी है, बजाओ ढोल। अरे भाई आराम से एक और Z900। तो भाई आज मजा आने वाला है, राइडर्स बनना है छपरी ने। चलो भाई राइड शुरू हो चुकी है, आगे फुल पावर मुझे, रोड पूरी खुल चुकी है और अब हम निकल रहे हैं भाई आराम से। एक और भाई के पास है Z900, पे उस पर एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है तो बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह चल रही है। ब्लॉग तो हर संडे आता रहेंगे, हर संडे अभी एक दो संडे छोड़ के ही आ पाएंगे क्योंकि गाइस थोड़ा काम भी रहता है, काम बिजी रहता है थोड़ा, मतलब थोड़ा वर्क रहता है, अपने टाइम मिलता है तो हम अपनी ब्लॉग भी कर देते हैं। तो यार सच बताऊं तो मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है यार, व्यूज चेक आउट करो गाइस भाई, बस थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट दिखाते रहना, हो सके तो शेयर कर देना वीडियो अगर हो पाए आपसे, अगर ब्लॉग पसंद आता तभी करना, नहीं पसंद आता तो कभी भी मत करना, मतलब कर देना तभी। हमें थोड़ा पीछे पीछे देख के भी चलना पड़ेगा पता है, क्योंकि कई राइडर्स होते हैं गिर जाते हैं छूट जाते हैं, तो उनको देखना पड़ता है, मतलब कोई छूटे ना, बस सब साथ में चलेंगे भाई लोग।
गाइस व्यू देख लो भाई, आगे जाऊं मैं। अरे व्यू देखो यार। आपको व्यू दिखा लिया जाए। Heaven. और भाई उसको छोड़ो तुम, यहाँ पर खाई देखो भाई कैसा लग रहा भाई व्यू। भीड़ हो गई यहाँ पर, हम रुक गए क्योंकि यहाँ पर काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर पे भीड़ तो लगती रहती है क्योंकि ये नॉर्मल है। देखो लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पर से, तो यहाँ पर तो क्लीन आउट कर रहे हैं और क्लीन अप करके यहाँ पर से तब देख लेंगे। तो व्यू तो आपने चेकआउट कर ही लिया होगा, सारे राइडर यहाँ पर गैदर हो रखे हैं क्योंकि हमने दिखा दिया था आपको। भाई लोग अपने यहीं पर हैं, बस मिलते सीधा फिर से बाइक पे। अभी हम लंच करने, सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक रहे हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुक रहे हैं। मैं तो तला पता नहीं क्यों रहा हूँ। हमने ब्रेकफास्ट का सब कर लिया। ये भाई अब बर्नआउट मारेगा V4 से। बहुत मजा आ रहा है। अभी इसने एक और बार मारा, अब एक और बार मारेगा। और पता है मजे की बात क्या है, जिसका जिसकी बाइक है ना वो एकदम हंस रहा है भाई, मजा आ रही है मुझे। अब देखते भाई भाई। टायर तो काफी है, बहुत है, लेकिन हालत देख सकते हैं आप। टेंशन ना लियो इनका भाई ने खतरनाक सीन कर दिया भाई। कह रहा था करना नहीं, खतरनाक दिल लग कर रहा भाई, वो हंस रहा, खुश हो रहा था भाई। किससे भी चली रही है बर्नआउट का सीन तो हो गया। हम ऊपर मंदिर जा रहे हैं, आपका बना होता है। देखो अरे आप स्पीड सही दे रहे हो। ओके भाई क्या बोला था ये भाई, बहुत तेजी से जा रहे हैं, इनको थोड़ा वेट भी कम करना है। अरे अब तो चाली में, तो क्या करना चाहिए। और भाई जो सबसे बड़े हैं वो ही सबसे आखिरी। पहले भाई इतनी तेज तेज आए, तेज तेज आए बोल। और ये है अपना कंजापुरी मंदिर। सब लगा दिया, प्रसाद ले लिया, सब हो गया। ब्लॉगर आजकल लोग बहुत ब्लॉगर बोल रहे हैं यार, सब मुझसे काफी आगे निकल चुके हैं यार। मैं थोड़ी देर में निकला क्योंकि मैं हेलमेट में ग्लव्स पहन रहा था, सब निकल गए। मैंने बोला रुको, उन्होंने बोला हल्के हल्के चलेंगे, तो मैं जहाँ में फंस गया वो सब निकल गए, फिर और आ गया। तो आखिरकार एक तो दिखा, शुक्रिया CCB एक दिखाने के लिए, मतलब एक दिखाने के लिए, रोकने के लिए एक को। चलो एक के साथ तो रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। याली जीना 100 है ना, ये है 2021 वर्जन जो कि बहुत बढ़िया है। पर पता नहीं क्यों मुझे 2018 मॉडल इतना प्यारा लगता है ना। मैं पहले से सोच रहा था जीना 100 लूँगा, तो 2018 मॉडल माना नहीं लूँगा। तो यारो हम पहुंच चुके हैं घर, थक लग गई थी यार काफ़ी, तो हम ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे, सीधा वहाँ से आए, थोड़ी चाय पी, सीधा घर पहुंच चुके हैं। और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी पता है क्या करना है, सब बताते रहते हैं, तो आपको भी वही करना है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, लाइक सेफ, बाय।